हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केपीआर मिल लिमिटेड की। दोस्तों, यहां पे 893 रुपये पे इसका शेयर प्राइस देखने को मिल रहा है केपीआर मिल की। यहां पे एक महीने में 2% की गिरावट और 6 मंथ में 13% की रैली। दोस्तों, यह एक साल के अंदर अगर आप देखोगे तो 39% की यहाँ पे तेजी देखने को मिला है और 5 ईयर्स में 721% की तेजी। दोस्तों, यहाँ पे मल्टीवैगर रिटर्न दिया है। बेसिकली 2019 में यह स्टॉक आपको 100 रुपीज से भी नीचे देखने को मिल रहा था और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये स्टॉक बहुत तेजी से यहाँ पे 756 रुपये टच किया 2022 में। उसके बाद स्टॉक में वापस थोड़ी सी गिरावट देखने को जरूर मिला, लेकिन वापस फिर से अपसाइड देखने को मिला केपीआर मिल लिमिटेड के अंदर। दोस्तों, आज यहाँ पे कंपनी है जो Q1 क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश करने वाली है और Q1 क्वार्टर के रिजल्ट्स में बेसिकली यहाँ पे क्या होगा वो सारी चीजें हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ में केपीआर मिल के बारे में भी जानेंगे कि कंपनी क्या करती है और कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे 20,774 इंप्लॉय इस कंपनी में काम करते हुए नजर आते हैं। 2024 के अकॉर्डिंग 1984 में एस्टेब्लिश हुई ये कंपनी केपीआर मिल लिमिटेड। और यहाँ पे अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये कंपनी केपीआर मिल है जो अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मतलब टेक्सटाइल से रिलेटेड यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। यार्न, यूनाइटेड फैब्रिक, रेडीमेड गारमेंट्स की बात कर लें, विंड पावर से रिलेटेड बात कर लें। वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकल इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है जो टेक्सटाइल के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ साथ केपीआर मिल शुगर में भी काम करती है, एथेनॉल से रिलेटेड काम करती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर इनका प्रेजेंस है, पावर सेक्टर के अंदर प्रेजेंस है। तो यहाँ पे एक तरह से इनका बिजनेस है जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस एक तरह से कह सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली केपीआर मिल का जो अभी मार्केट का फिलहाल जो देखने को मिल रहा है 30,473 करोड़ रुपया का। स्टॉक का पी देखें तो 38 रुपीज के पी पे ट्रेड कर रहा है अभी के टाइम पे, और ईपीएस अगर आप देखें 23.60 रुपया का। दोस्तों, यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 6.99 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा जरूर है, लेकिन यहाँ पे कंपनी अच्छा वर्क करती है। यहाँ पे प्रमोटर हाईएस्ट होल्डिंग ऑलरेडी रखे हुए है, 73.8% की होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर खुद अपने पास रखे हुए है। 1158 करोड़ का इनके पास कर्ज है, लेकिन इनके पास रिजर्व्स है जो बहुत ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ पे 4324 करोड़ का इनके पास रिजर्व्स भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.56% यहाँ पे डिविडेंड भी कंपनी देती है अपने शेयर होल्डर को। डेप्ट टू इक्विटी की देखें तो 0.27 का है, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी है। किसी भी प्रकार का प्लेजिंग परसेंटेज नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो प्लेज्ड नहीं है। यहाँ पे पेट्रोस्के स्कोर की अगर हम बात करें तो 5 की रेटिंग देखने को मिलता है और ग्राम नंबर प्राइस 260 रुपये का। इसके अंदर FIS एंड DIS की भी यहाँ पे अच्छी खासी हिस्सेदारी ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें इस कंपनी की जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो किस तरह से आने वाले हैं और यहाँ पे क्या हो सकता है, तो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट्स पे चर्चा करें खास करके तो यहाँ पे 210 करोड़ से 214 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट होता हुआ नजर आया था। बहुत ज्यादा उछाल नहीं था, कंपनी का जो 1950 करोड़ का जो सेल था वो घटता हुआ नजर आया है यहाँ पे मार्च क्वार्टर में। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें मार्जिन में तो मार्जिन 16% से बढ़ के यहाँ पे 20% हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे उछाल देखने को मिला प्रॉफिट में। नहीं तो यहाँ पे कंपनी में के जो प्रॉफिट है उसमें डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता था। लेकिन अगर इस तरीके की चीज़ें होती है जून क्वार्टर में तो होपफुली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो टेक्सटाइल में भी थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डिमांड आती हुई जा रही है, बढ़ रही है डिमांड, शुगर के अंदर भी आपको डिमांड देखने को मिलेगा। और होपफुली अगर हम बात करें तो 1611 करोड़ से ऊपर यहाँ पे कंपनी यहाँ पे सेल्स करती हुई नजर आ सकती है और करीब करीब जो 20% का जो मार्जिन देखने को मिला है वो कंटिन्यू बरकरार रह सकता है और होपफुली यहाँ पे 210 करोड़ से ऊपर नेट प्रॉफिट कंपनी करती हुई नजर आ सकती है। तो नेट प्रॉफिट 203 करोड़ जो देखने को मिला है जून 2023 में, वो यहाँ पे जून 2024 के अंदर 210 करोड़ से ऊपर आ सकती है। यहाँ पे मैं चीजें यहाँ पे एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे आज के डेट में जब रिजल्ट्स आएगा तभी यहाँ पे क्लियर नंबर पता चल पाएंगे। और यहाँ पे मैं एक तरह से एजप्शन बताता हूँ कि एजप्शन की एक तरह से इतना हो सकता है। यहाँ पे एक तरह से अगर हम बात करें जून क्वार्टर का जो पिछले साल है तो पिछले साल में भी यहाँ पे एक तरह से देखो तो यहाँ पे सेल्स में गिरावट देखने को मिला था,
227 करोड़ से यहाँ पे प्रॉफिट घट के नेट प्रॉफिट है जो 202 करोड़ होता हुआ नजर आया, 203 करोड़ होता हुआ नजर आया था, सॉरी 203, मैंने गलत जगह पे देख लिया दोस्तों, यहाँ पे गलत, जून में 1585 करोड़, 1611 करोड़, लेकिन यहाँ पे 227 करोड़ से प्रॉफिट घट के 203 करोड़ हुआ था। तो यहाँ पे मार्जिन कमी आया था, तो यहाँ पे होपफुली 20% का मार्जिन देखने को मिल जाए। और यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे FIS हैं जो अपनी ही हिस्सेदारी यहाँ पे कंपनी के अंदर कंटिन्यू बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, हिस्सेदारी अपनी बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो DIs भी रिसेंटली अपनी हिस्सेदारी इंक्रीज किए हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें तो पब्लिक की हिस्सेदारी यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है, तो पब्लिक की हिस्सेदारी यहाँ पे कम हो रहा है, बड़े इंस्टीट्यूशंस की हिस्सेदारी बढ़ रही है। यहाँ तक अगर हम बात करें तो जो एक तरह से देखें तो यहाँ पे DIs कंटिन्यू अपना इंक्रीज किए हैं रिसेंटली। अगर हम बात करें प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी सेल जरूर किए हैं माइनर अमाउंट में, आप देख सकते हैं लंबे समय में, तो यहाँ से 74% था जो 73% पे आ गया, तो 1% के करीब करीब यहाँ पे हिस्सेदारी अपना सेल करते हुए नजर आए हैं प्रमोटर्स। तो यहाँ पे कुल मिलाकर हम कह सकते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशंस खरीदारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल 34 करोड़ का बरकरार है, और यहाँ पे रिजर्व्स है जो कंपनी कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। इसके साथ साथ कंपनी अपना डेब्ट भी कम की है पिछले क्वार्टर में, और यहाँ पे कंपनी का CWIP में भी वर्क देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कंटिन्यू कंपनी कर रही है। कंपनी का टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो कंटिन्यू यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है KPR मिल लिमिटेड का, और यहाँ पे आज की डेट में इस स्टॉक पे अपने रडार पे रखिएगा इस स्टॉक को, खास करके अगर हम बात करें तो। और यहाँ पे इस कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उस पर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके चलें, जिससे कि यहाँ पे आने वाला अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हुए चलिएगा। और यहाँ पे दोस्तों मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो मैं किसी भी प्रकार का स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। दोस्तों यहाँ पे कंपनी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ की बात करें तो 2013 में कंपनी 1665 करोड़ का सेल करती थी, जो आज के दिन में 6060 करोड़ का सेल्स कर रही है। तो कंपनी सेल्स में कंटिन्यू यहाँ पे इंक्रीज की है, और नेट प्रॉफिट 103 करोड़ से बढ़ा के 805 करोड़ तक यहाँ पे कंपनी नेट प्रॉफिट करती हुई नजर आई है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंट कंपनी के अंदर ग्रोथ देखने को मिला है, माइनर अमाउंट में कभी कभी किसी साल में एक तरह से देखें थोड़ा बहुत डाउन देखने को मिलता है, अगर इंडस्ट्रीज में है तो कभी अप एंड कभी डाउन तो रहेगा ही, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ ही देखने को मिला है KPR मिल लिमिटेड के अंदर। और दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो में, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।